क्या जमीन ने अनाज उगाना बंद कर दिया जो आटे के लाने लगी हुई है? क्या आसमान ने पानी बरसाना छोड़ दिया यहाँ पे जो फसल नहीं हो सकती यहाँ पर? क्या यहाँ के लोगों के अंदर नॉलेज अकल खत्म हो गई है जो ये निज़ाम नहीं चला सकते? मेरे ये सवाल आते हैं आपसे, आप रखें मीडिया के सामने। बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा, आप जैसे बंदे मीडिया पे आने चाहिए और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, बहुत जबरदस्त। 1947 हम दोनों मुल्क लैदा हुए, आज तक इंडिया में उतने मुसलमान कत्ल नहीं हुए जितने पाकिस्तान में हो चुके हैं। तो जी जी, लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम इंटरनली जब होते हैं, शहबाज शरीफ साहब जब इधर आवाम के साथ, पब्लिक के साथ जब स्पीच कर रहे होते हैं, तब वो कहते हैं कि भाई हम इंडिया पर एटम बम गिरा देंगे, इंडिया को तबाह कर देंगे, निस्तो नबूद कर देंगे। जब बाहर फॉरन किसी इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठते हैं, जब लोगों के सामने बैठते हैं, तो फिर कहते हैं कि हम इंडिया के साथ पीस चाहते हैं, हम इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करना चाहते हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि दो तरफा अलग अलग बयान, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ठीक है, यहाँ पर की मस्जिदों में गार्ड खड़ा नहीं होता मस्जिद के बाहर, याद रखना, इंडिया में, पाकिस्तान में खड़ा होता है। क्यों? 145 पे चला गया, हमारी पुलिस का नंबर 160 पे आ रहा है। बस ये थे कौम आज तक हमने इस मुल्क को दिया क्या है? वजह क्या है? नक्स क्या है निजाम का? मेरे पास जवाब पे हम बात नहीं करते, मेरे पास जवाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय, पूछने पे बता देगा क्या हाल चल रहे हैं, क्या हाल है, हुकूमत की तरह चल रहे हैं, वो भी डाउन है हालात, बिजनेस भी डाउन है। बिल्कुल सही सर, बिजनेस के तो एक बंदा मुझे लास्ट टाइम मिला, कहता कि भाई फैक्ट्री बंद कर दी, 1000 मेरे पास वर्कर थे, फैक्ट्री बंद होगी, क्या हालात चल रहे हैं सर, क्यों ये हालात, क्यों डॉलर के निस्बत पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू क्यों डाउन हो रही है? यार ये तो सीधा सा फार्मूला है, इसमें कौन सी बात है, जब आप कर्जों के ऊपर गुजारा करेंगे तो सारी बात है, जब कर्जे बढ़ेंगे तो आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी। ये तो सारा कानून डिमांड एंड सप्लाई का बुनियादी सा असूल है, आप कर्जे लेने आज बंद कर दे, आज आपका रुपया डॉलर के बराबर आ जाएगा, इसमें क्या मुश्किल बात है सर? ये नॉर्मल बंदों को पता है, ये मसला है कि कर्जा मैंने नहीं लिया लेकिन मुझे पे करना पड़ा है सर, इतना बड़ा फार्मूला है, ये फार्मूला नॉर्मल बंदों को पता है, जो बड़े लेवल पर लोग हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो मुल्क को संभाल रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको ये फार्मूला किसी नहीं समझ में आती भाई, उनको तो हमसे ज्यादा 10 गुना पता है। कुरान मजीद में एक लफ्ज आता है कि ये जुल्म को और नाइंसाफी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं, कुरान मजीद गलती नहीं कहता, बच्चा बोल पड़ता है, यानी कि इंसान पागल भी हो जाए ना अपनी औलाद को पहचानना नहीं भूलता, ये जुल्म को नाइंसाफी को ऐसे पहचानते हैं। जुल्म क्यों नहीं खत्म करते? जानबूझकर कर रहे हैं ना, मानते हैं सरमायादारी निजाम के। सर सर एक या हमारे साथ इंडिया आजाद हुआ, हमारे साथ चाइना आजाद हुआ, उन मुल्कों ने तरक्की की नहीं की? क्यों? वहाँ की लीडरशिप कौमी थी, वो एजेंट नहीं थे किसी के। आज पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस बदहाल के पहुंचे, उसकी वजह क्या? हमारा जो सिस्टम है वही हमारा नहीं है, आपकी मशीयत इजाद नहीं है, बहुत 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 फैसले ही आप नहीं कर रहे। आज तक हमारे ऊपर पाकिस्तान का लोकल वजीर खारजा नामजद नहीं हुआ, 70 साल के तरीके में पाकिस्तानी वजीर खारजा वजीर खजाना आया, बताएं मुझे। एक बात सर, हम यहाँ पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं कैमरे के सामने, लोगों के सामने चीखते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। सर अगर मुसलमानों के साथ जुल्म को अगर एक तरफ से देखा जाए तो वहाँ पर मुसलमानों को 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है सर, वहाँ पर मुसलमानों के फैसिलिटीज ऐसी है, हर किस्म की ट्रेन सर, जिंदगी का निज़ाम और इकोनॉमी 5वीं 2री 3री बननी जा रही है, इंडिया सबसे बड़ी। यहाँ पर पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है सर? देखे ना, आटा नहीं मिल रहा, लोग कतारों में मर रहे हैं सर। भाई मैं छोटी बात बताऊँ, 1947 हम दोनों मुल्क लैदा हुए, आज तक इंडिया में उतने मुसलमान कत्ल नहीं हुए जितने पाकिस्तान में हो चुके हैं। नहीं, अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे दुनिया में किसी जगह पर ले जाएं कि यहाँ आपने यहाँ पे शिया सुन्नी साथ में कत्ल नहीं किए, यहाँ आपने तस्वीर की बिना पे कत्ल नहीं किए, वहाँ पर तो जो हुए ना वो तो देखो ना कसीरुल मज़ाक होता है, हिंदुस्तान में 1000 से ऊपर मज़हब पता है आपको इस चीज़ का, अगर वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर समझ में आती हैं, यहाँ क्यों होती हैं? ये तो मुल्क दीन के नाम पर बना था भाई, कलमे के नाम पर, ठीक है। यहाँ पर की मस्जिदों में गार्ड खड़ा नहीं होता मस्जिद के बाहर, याद रखना, इंडिया में, पाकिस्तान में खड़ा होता है। क्यों सर हम यहाँ पर सवाल है आपसे भाई, मुझे भी बहुत बहुत बड़ा सवाल है आपका, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है सर। फिर हम क्यों टारगेट करते हैं, फिर हम यहाँ पर क्यों चीखते हैं कि भाई इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर क्या हमारे पास कोई और जवाब की चीज नहीं? हम समझ रहे ना यार, हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालते हैं, नुक्स निजाम का है, नक्स निजाम के अंदर है। आपका पेट खाली हो, कपड़े आपने 1000 गुना अच्छे पहने हो, आपकी तबीयत अच्छी होगी? भई हमारा मुल्क जो है गद्दारों के हाथ में, साम्राज्यों के हाथ में है, मैं जितने मर्जी ऊपर झंडे ले आऊं, कप जीत लूं, क्या फायदा मुझे उसका? एज ए नेशन क्या फायदा यार? आपके साथ कश्मीरी लगता है आजाद कश्मीर, मकबूदा कश्मीर में 25 किलो आटा है, 25 बता रहे हैं आप, इस तरह लैंड इस तरफ कितना कर लें? ये इंडिया का बॉर्डर हमसे 8 किलोमीटर दूर है, 10 रुपये किलो भी याद है, यहाँ पे 250 नहीं मिल रहा सर, क्या वो छोड़ के आएंगे?
नहीं मतलब कि वो एक मिनट आप ना, जो एग्जांपल होती है ना बहुत, इसलिए नहीं होती कि हम किसे कहानी है, हमको उनको फॉलो भी तो करना चाहिए ना, फॉलो क्यों नहीं करते सर? क्या वो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 25 रुपए का किलो आटा छोड़कर 150 के पीछे आएंगे? वो क्यों आएंगे, पागल है यार कोई? तो ये बात हमें क्यों नहीं समझ में आती यार? बात वही मैं कह रहा हूँ मेरी जान, कि हमने सिर्फ नारे लगाए हैं आज तक, जस्ट नारों के ऊपर हमने काम किया है, कोई अमली काम किया तो बताएं सर? इंडिया के कश्मीर में तकरीबन 17 यूनिवर्सिटीज हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपने आज तक अमली काम किया? पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 500 में आती है? इंडिया की मैं बता रहा हूँ, मारते इतने बड़े को, कहते ना जितना बड़ा इंसान का दावा हो ना उसका अखलाक भी उतना अच्छा होना चाहिए। हम अपने दावों में, अपने अखलाक में कितना तजाद है। बहसीयत कौम आज हम कहाँ पे हैं? बहसीयत कौम आज पाकिस्तान के तो अदलिया का नंबर है दुनिया में 133वें नंबर पे आ रहा है, 145 पे चला गया, 145 पे चला गया। हमारी पुलिस का नंबर 160 पे आ रहा है। बहसीयत कौम, बहसीयत कौम आज तक हमने इस मुल्क को दिया गया है, वजह क्या है, नक्स क्या है निजाम का? मेरे पास जवाब पे हम बात नहीं करते, मेरे पास जवाब हाँ निजाम पे नहीं हम बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ अपनी सानवी चीजों पे ना, जो जुजवियात हैं। यार असल चीज को पकड़ लो आप, सबको ठीक हो जाएगा। सर आपको नहीं लगता कि हमें बाहर देखने के बजाय इंडिया में देखने के बजाय कि वहां पर क्या हो रहा है, पहले हम अपने मामला ठीक कर ले? मसलन क्या मामला ठीक है? मामलात हमें अपनी हुकूमत के मामलात हमें अपनी करेंसी पर सोचनी चाहिए। इंडिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गई, हमें भी पांचवी मैशत के दौड़ पर आना चाहिए, तो हमें टेक्नोलॉजी के तौर पर इंडिया का मुकाबला करना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ कि आज हमारा निज़ाम अगर ठीक हो तो सारी चीज़ें ठीक हैं। देखिए निज़ाम किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, निज़ाम किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। उस निज़ाम के अंदर आपकी इंतजामिया, आपकी अदलिया और आपकी मुकंदना, ये तीनों रिश्तेदार हैं, और चौथा आजकल मीडिया भी है। मैं माजद के साथ कहूँगा आजकल मीडिया का भी जो किरदार है वो क्या है, और रात को किसी एक पॉइंट को टारगेट करते हैं, असल की तरफ नहीं जाते। और यार इस कौम को एजुकेट करो, निज़ाम गलत है भाई, वापडा नहीं गलत, पुलिस नहीं गलत, ये मार्केटें नहीं गलत, निज़ाम ठीक करो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उधर आते नहीं आप, ये कहेंगे भाई आपने घड़ी चुरा ली, अच्छा आपने ये कर लिया। और यार असल निज़ाम ठीक करो, वो किसी ने कहा था ना कि अगर निज़ाम ठीक हो और चोर चोरी करे तो चोर के हाथ काटने चाहिए, और निज़ाम गलत हो चोर चोरी करे हुक्मरान के काटने चाहिए। सही बात, तो काट दें आप। एक और चीज़ यहाँ पर मैं नॉमिनेट करना चाहूँगा सर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ की मीडिया एक ने भी कवरेज नहीं दी, सिर्फ ये बता रहे घड़ी चोरी होगी, ये बता रहे हैं कि वो बंदा उधर चला गया, ये उधर चला गया, इसको कैसे देखते? बहुत प्रायोरिटीज नहीं उनकी, उनकी जो प्रायोरिटीज है आजकल क्या है, हुकूमत की प्रायोरिटी क्या, मेरी हुकूमत बच जाए, ये असम्बली के ऊपर 4-5 बंदे बिठा के तो लोटे बच जाएँ, ठीक है मुल्क जाए पहाड़ में। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के साथ बोस नहीं हो रहा, आपके फाटा के साथ क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, आज तक उसे इलाका घेर क्यों बनाया गया है, ठीक है आज जनसियाँ क्यों पैदा की गई हैं, ठीक है ना, किसी एक इलाके को, पंजाब को, पंजाब में भी खास तौर पर लाहौर के 2-3 शहरों को आपने सिर्फ अपने लिए एक मॉडल सिटी बनाया, पूरा मुल्क इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, वो शहर इनके नहीं है, क्या वहाँ पर बुनियादी जरूरत लोगों का हक नहीं है, क्या ज़मीन ने अनाज उगाना बंद कर दिया जो आटे के लाने लगी हुई हैं, क्या आसमान ने पानी बरसाना छोड़ दिया यहाँ पर जो फसल नहीं हो सकती यहाँ पर, क्या यहाँ के लोगों के अंदर नॉलेज अकल खत्म हो गई है जो ये निज़ाम नहीं चला सकते? मेरे ये सवाल आते हैं आपसे, आप रखें मीडिया के सामने। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा, आप जैसे बंदे मीडिया पे आने चाहिए और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका सर? मोहम्मद अशरफ तुराबी। करते क्या? मैं लेक्चरर हूँ। बहुत ज़बरदस्त सर। सर बेसिकली आपसे बात करने का मकसद ये है कि अगर डॉलर के निस्बत पाकिस्तान की करेंसी देखे, पाकिस्तान की रुपये देखे, तो कहाँ रिलायबल कर रही है, और डाउनफॉल की जो शिकार है पाकिस्तान की करेंसी, इसके पीछे क्या वजूहत है कि कैसे ठीक हो सकती है? देखिए जी, एक तो आप पता ही है कि काफ़ी अर्से LC बंद है पाकिस्तान की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारी बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो जब इन्वेस्टर को कोई श्योरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कंट्री के अंदर, तो इन्वेस्टर बाहर से आएगा नहीं, तो हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सारी बैन हुई पड़ी है, ना माल बाहर से आ रहा है ना जा रहा है, तो छोटा तबका दुकानदार वो कहाँ जाएगा, जिसकी वजह से करेंसी में कोई आपको कुछ कोई होप नज़र नहीं आ रही, ठीक है। कोरोना के दिनों में पूरी दुनिया में कारोबार बंद रहा है, लेकिन डॉलर फिर भी ऊपर गया है, एक रुपया बाहर ना गया ना आया, ना कोई चीज़ इम्पोर्ट ना एक्सपोर्ट हुई है, लेकिन डॉलर मुसलसल ऊपर जाता रहा, उसकी कोई वजह नोबडी नोज अबाउट दैट। बिल्कुल सही सर, कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी हुकूमत से ये चीज़ें संभाली नहीं जा रही, हुकूमत मतलब कि इस आपको लगता है कि हुकूमत आने वाले टाइम के अंदर जो उनसे डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है इसको बराबर कर पाएगी लाकर दोबारा से, जितना अभी देखें सर इंडिया से हम इसलिए आज़ाद हुए थे ताकि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, सर बरक्स हम देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कहाँ चली गई और हम डाउनफॉल का शिकार है, क्या वजह था कि हमें मैनेजमेंट नहीं आती या हमारे जो मैनेजमेंट और बंदे बैठे हुए उनको काम नहीं आता? नहीं ऐसी बात नहीं है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को अगर आप देखें तो
एक तो मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, और दूसरा हुकूमत जो है, जो भी हुकूमत आती है वो आवाम के लिए बहुत कुछ करती है। आप देखें, मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ आपको, मेन आपके इशू जो है हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, आपकी हेल्थ भी फ्री है, एजुकेशन भी फ्री है। आप घरों से अगर माँ बाप बच्चों को भेजेंगे नहीं स्कूल, तो गवर्नमेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर ने जाकर तो बच्चों को पकड़ के स्कूल में नहीं छोड़ के आना, ठीक है। तो इसके अलावा जो मार्केट के अंदर जितना आप देख रहे हैं कोई महंगाई का सैलाब आया हुआ है, इतना हुकूमत ने नहीं किया जितना लोगों ने खुद किया हुआ है, तो इसका फ़ायदा बिजनेसमैन को ज़रूर हुआ है। तो बेसिकली ये कौम जो है थोड़ी सी डिसऑनेस्ट है। सही कह रहे हैं आप। तो बेसिकली अब मकसद जो मेरे बात करने का है, अभी श्रीलंका पिछले टाइम आपको पता लग गया, न्यूज़ सुनी होगी आपने कि श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट होने के बाद अब उसको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो इंडिया ने उसे ऑफर की कि भाई अब मेरी करेंसी के ऊपर मेरे साथ ट्रेड करो, दुनिया के साथ ट्रेड करो, इंडियन करेंसी के ऊपर हम आपको पैसे दे देते हैं। दूसरे नंबर पर अभी अभी के अभी न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक आने वाले टाइम के अंदर सऊदी अरेबिया और इंडिया, इंडिया के रुपये के अंदर सऊदी अरेबिया दुनिया से ट्रेड करेगा, इंडिया से ट्रेड करेगा। इसको कैसे देखते हैं आप, किसी मुल्क का कितना बेनिफिट होता है कि अगर इंडिया के करेंसी के ऊपर, इंडिया को कितना बेनिफिट होगा कि अगर सऊदी अरेबिया जैसी बड़ी कंट्री उसके रुपये में ट्रेड करें? तो देखिए, ये एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी था पाकिस्तान के पास भी, जब ये रशिया के साथ पास इमरान खान साहब गए हैं, रशिया भी गए हैं, तो एक बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी इनके पास भी कि रशियन और पाकिस्तानी करेंसी को हम सेम करेंसी के ऊपर ट्रेड कर सकते। अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली मैं कहूँगा कि वो हमने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ठीक है, ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। तो अभी भी अगर ये लोग सुधर जाएँ, समझ जाएँ, तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान का फ्यूचर को बेस्ट हो सकता है। अगर हमारे हालात अल्लाह ना करे श्रीलंका जैसे होने का वेट तो नहीं कर रहे, अगर हो जाते हैं उस तरह के, तो हम क्या उसका वेट करें? क्या हमें, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इंडिया की करेंसी के साथ ट्रेड कर सकें आने वाले टाइम के अंदर? क्या हम ऐसा कर सकते हैं या हमारे पास कोई और रास्ता भी है? बड़ा अच्छा होगा अगर इंडिया के साथ भी ये ट्रेड करना शुरू कर दें, इसको इंटरनेशनल देखना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और पूरी दुनिया में अब देखें, बर्लिन वॉल गिर गई है, ठीक है, बड़े बड़े पुराने जो एनिमीज थे एक दूसरे के, वो इकट्ठे हो गए हैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया में मेरा ख्याल हम ट्रेड कर लेते हैं तो हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ा एक स्टेबिलिटी आ जाएगी इससे। सर, अब देखते हैं कि हमारे इंटरनल मामलात, अगर हम इंटरनल मामलात को देखें तो हमारे उस तरह से रन नहीं हो रहे जिस तरह से इंडिया के हो रहे हैं। सर, इंडिया ने अपने आप को मनवाया दुनिया के आगे, एक आज़ाद मुल्क होकर एक दुनिया के सामने एक नक्शे में आ गया इंडिया, तो हम कब आएंगे, हमारा कब नाम होगा इतना बड़ा? हम एक कहते हैं कि हम ऐसा कौम मुसलमान है, लेकिन हमें दुनिया किस तरह से पहचान रही है, हमें दुनिया किस तरह से टारगेट कर रही है, इसका जवाब आप देंगे? देखिए जी, हम एक तो पहली बात तो ये कि बहसीत कौम हमारे मेरा कोई, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम एक हजूम है, कौम नहीं है, ठीक है। कौमें बनती हैं किरदार से, ना कि कसरत अफराद से। कड़वी बातें कर रहे हैं आप सच कड़वा ही होता है। तो कसरत अफराद से कौमें नहीं बनती, अजमत किरदार से बनती हैं, ठीक है। तो ये बहसीत कौम हमारी कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, कभी किसी मीडिया के ऊपर, किसी जलसे में, किसी जुलूस के अंदर कभी भी आप देखें, कभी हमें कोई सोशल वैल्यूज नहीं सिखाई गई, कभी किसी बंदे ने कहा कि ऑनेस्टी भी कोई चीज़ होती है, कभी किसी ने कहा कि सच बोलना ज़रूरी है। दोस्तों, जो हकूक इंडिया के अंदर ये चीज़ें मौजूद है, इंडिया की एक ट्रेंड कौम है, वो बहुत ट्रेंड, हमसे बहुत आगे हैं, वो बहुत आगे, अगरचे उनका दे आर लिविंग बिलो द बॉटम लाइन ऑफ पॉवर्टी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस जो है वो बड़े ऊपर है हमसे। पॉवर्टी थी, अब उन्होंने दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन गई, अब दूसरी मईशत बनने जा रही है। अब देखिए, इंडिया जो डेमोक्रेसी है वो इंडियन वैल्यू है, एशिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो, ठीक है, कितने बिलियन की बॉडी है उसकी, हम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये आज न्यूज़ आई है कि उन्होंने चाइना को भी बीट कर दिया अब अपनी पॉपुलेशन में। वो करेंगे जी, वो पॉपुलेशन में नहीं, टेक्नोलॉजी में भी आगे जाएंगे, वो बहुत आगे जाएंगे। तो अभी अगर उन्होंने होश के ना सुना लिया तो जी। लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम इंटरनली जब होते हैं, शहबाज शरीफ साहब जब इधर आवाम के साथ, पब्लिक के साथ जब स्पीच कर रहे होते हैं, तब वो कहते हैं कि भाई हम इंडिया पर एटम बम गिरा देंगे, इंडिया को तबाह कर देंगे, निस्तो नबूद कर देंगे, जब बाहर फौरन किसी इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठते हैं, जब लोगों के सामने बैठते हैं, तो फिर कहते हैं कि हम इंडिया के साथ पीस चाहते हैं, हम इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करना चाहते हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि दो तरफा अलग अलग बयान, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है? देखिए, ये न्यूक्लियर पावर जो है, पूरी दुनिया कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है, ठीक है, बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी अपनी की फोर्सेज ही नहीं है, उनके बॉर्डर ओपन है, फ्री है, वो पीसफुल कंट्रीज़ हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, लोगों की ट्रेनिंग हुई है, ठीक है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले और हज़ार सालों में भी एटम बम चलेगा, ये इसका कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि चलाए और चलाया जाए, ठीक है, इसके और मकासद होते हैं, ठीक है, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस देम। तो ये और चीज़ें हैं, तो बहरहाल वी कैन होप फॉर द बेस्ट, देयर इज ऑलवेज होप एट द एंड ऑफ द टनल। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू टॉक विद जी। तो गाइस, मेरे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नाम आपका?
हमाद। करते क्या है? प्राइवेट जॉब है। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का मकसद आपसे ये है, करेंसी के हवाले से बात करेंगे सर। पाकिस्तान की करेंसी और डॉलर का रेट के बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि क्या चल रहा है, इन्फ्लुएंशन पाकिस्तान की, महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है? हाँ, महंगाई तो इसीलिए बढ़ रही है कि हमारी जो करेंसी डिवैल्यू हो रही है और डॉलर के मुकाबले में क्या बाकी करेंसीज के मुकाबले में बहुत नीचे जा चुकी है। आप ये देखें कि बांग्लादेश जो हमसे 1971 में अलग हुआ था, हमारा अपना भाई, उसकी करेंसी हमसे कहाँ जा रही है? 2 रुपए से 2.5 रुपए के अराउंड उनकी करेंसी है हमारे करेंसी के अगेंस्ट, तो कहाँ उनकी करेंसी है और कहाँ हमारी करेंसी। इंडिया के से हम मुकाबला करें तो उस पर भी बहुत पीछे हैं। इवन अफगानिस्तान में चलें, खैर अफगानिस्तान में तो डॉलर है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान से कंपैरिजन कोई फिजिबल होगा, लेकिन स्टिल एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कई डेकेड से खाना जंगी चलती रही है, उसकी करेंसी हमसे स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक करेंसी हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी उस वक्त तक हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे, करेंसी डाउन ही जाएगी, और जब करेंसी हमारी डिवैल्यू होती जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। डिफरेंस की बात है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डॉलर्स में हमारे मुल्क में आती हैं, सॉरी इम्पोर्ट होकर आती हैं, तो उस पर ज़्यादा डॉलर का रेट इम्प्लाई होता है। इसी तरह से आप देखिए, कराची में पोर्ट भरी हुई है, एलसीसी ओपन नहीं हो रही, तो जब चीज़ें सप्लाईज नहीं आएंगी तो यहाँ मौजूद जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो महंगी होती जाएंगी। उसी हिसाब से सर, हमने इंडिया से आज़ादी ली थी, हमने इंडिया से अलग होने का फैसला किया था इसलिए ताकि हम डेवलप हो सकें। सर, जब हम देखते हैं कि अभी की जो सिचुएशन है, हमारी जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम की, डॉलर के रेट अगर हम देखें, अफगानिस्तान को हम बहुत पीछे समझते थे अपने से, लेकिन अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे ज़्यादा आगे चली गई है। सर अगर हम देखते हैं उसके बरक्स के दुनिया में, अगर इंडिया की करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है सर, फिर भी अभी एक ट्रेड डील साइन हुई है सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान, इंडिया की करेंसी के अंदर सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ ट्रेड करेगा, इसको कैसे देखते हैं सर आप? सर, ये उसी तरह से ना, जैसे आप देखें रशिया इतना सब कुछ बेयर करने के बावजूद अभी तक स्टेबल है, उसकी वजह क्या है कि वो रूबल में ट्रेड करते हैं, अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं। तो अगर हम भी अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दें तो जाहिर है हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। मसला ज़्यादा यही है कि हमारी ट्रेडिंग चल ही डॉलर में रही है या पाउंड्स में चल रही है, मोस्टली खैर डॉलर्स में चलती है, तो इसी वजह से हमारे यहाँ मसाइल आते हैं। तो अगर हम भी अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू कर दें तो हमारे भी हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, सारी बात है। बिल्कुल सही। सर, हम हर मुकाबले में हर चीज़ का कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम डेवलपमेंट का कंपैरिजन करने पर आते हैं तो सर लोग कहते हैं कि इसका कंपैरिजन ना करें। सर, क्या वजूहत है कि हम डेवलप क्यों नहीं हो पा रहे इंडिया के नस्बत? इंडिया कहाँ चला गया डेवलप के सूरत में? सर, ये मामला बहुत आगे निकल जाएंगे, जो आपने बहस छेड़ दी है ये बहुत लंबी चौड़ी बहस है, ये इतने छोटे से टाइम में कवर होने वाली बात नहीं है। आप शॉर्ट बता दें, इन शॉर्ट बता दें। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बेसिकली हम खुद और हमारे जो लीडर्स हैं वो सिंसियर नहीं है मुल्क के साथ। इंडिया में भी ये चीज़ें हैं कि लोग खाते भी हैं, लेकिन वो जो बात कही जाती है ना कि खाता है तो लगाता भी है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई होती है कि वो अगर खाते भी है तो अपने मुल्क का भी सोचते हैं, अपने मुल्क का पहले सोचते हैं फिर उसमें से अपना कोई साबिता भी लगा लेते हैं, तो चलो वो समझ में आती है बात। हमारे यहाँ तो सिर्फ खाते ही खाते हैं, या फिर जो हालात पिछले हमने उसमें देखे एक दौरे हुकूमत में कि हमारे हालात पहले से भी बुरे हो गए, कहा गया था करप्शन ख़त्म होगी, हम हालात बेहतर कर लेंगे, करप्ट लोगों को सजाएं देंगे, पैसा वापस लेके आएंगे, वो कुछ मटेरियलाइज नहीं हो सका। उसकी वजह ये कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है जो करप्शन को सपोर्ट करता है, तो जब तक सिस्टम में चेंजेस नहीं आएंगे हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। सर, एक और अभी वायरल हुआ कि शहबाज शरीफ साहब का एक बयान, जो कि यूएई गए थे, यूएई जाकर कहते कि भाई मेरा दिल नहीं कर रहा था मांगने को, मैं मांगना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, एंड पे मैंने हौसला करके मैंने मांग लिया, बड़े भाई समझ के मांग लिया। सर, वो पूरी दुनिया में बड़ा वायरल हो रहा है, वो चीज़ को कैसे देखते हैं आप? सर, वो ज़रूरत तो ज़ाहिर है हमें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी दूसरे ममालिक की, लेकिन इसमें बहुत से ड्रेस्टिक स्टेप ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें हम इंटरनली चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ अर्से पहले इन्होंने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई थी और कहा था जी लोकल चीज़ें इस्तेमाल करें जो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी, लेकिन प्रेशर आया ट्रेडर्स का तो इन्होंने फिर से इंपोर्ट ओपन कर दी। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो फिर हमें बेयर करनी पड़ेंगी, सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, तभी हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सही। सर, हम देखते हैं कि जब श्रीलंका, लास्ट क्वेश्चन है सर, श्रीलंका के अंदर हम देखते हैं कि श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया। सर, अभी श्रीलंका के अंदर जो उनसे चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, चीज़ें वो इंडियन करेंसी के ऊपर करता है। सर, क्या हम आने वाले टाइम के अंदर अगर हम डिफॉल्ट होते हैं तो क्या हम इंडिया की करेंसी की तरफ जा सकते हैं या नहीं? सर, ये तो बात ये कि आप पूछे कि इसराइल से क्या हम हाथ मिला लेंगे या नहीं मिला लेंगे, तो उस तरह सी बात हो जाती है। सर, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक ऐसे नहीं है कि हम उस तरफ जाएँ, और ना ही तल्लुकात ठीक भी तो किए जा सकते हैं। नहीं, बात ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ता है ना कहाँ हालात ठीक हो जाएंगे तल्लुकात बेहतर करने से। अब एक बंदा जो आपके वजूद को ही नहीं मान रहा, उससे आप कैसे हाथ मिला सकते? मानता तो है, माना भी है कि पाकिस्तान है। नहीं, माना ऑफिशियल लेवल पे जरूर माना है, लेकिन अभी भी आप देखें जब मौका मिलता है इंडिया हमें बसाने की कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से। अभी जो हम बड़ा दिल का मुजाहरे क्यों नहीं कर लेते, हम उनको कह क्यों नहीं देते कि भाई तुम जो करना करो, लेकिन हम भी स्ट्रॉन्ग हैं। सर, हम जवाब क्यों नहीं देते इस तरह से कि हम अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करके? सर, इंडिया के पास पावर है ना।
ये बात आपकी ठीक है, अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करें, बजाय इसके कि हम सिर्फ बातें करें कि जी इंडिया में तो गुर्बत है, ये है वो है फलाएं, हमें चाहिए पहले अपने घर को ठीक करें फिर दूसरों की तरफ बातें करें। लेकिन इसका हल ये नहीं कि हम दूसरों से हाथ मिला के उन पर डिपेंडेंट हो जाएं, वो इसका हल नहीं है डेफिनेटली। ट्रेड तो कर सकते हैं ना कम से कम, ट्रेड तो पहले भी चल रही थी, उससे क्या खास कोई फर्क नहीं पड़ा था। मसला ये है कि हमें अपनी इम्पोर्ट्स कम करनी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। सैयद अहमद, करते क्या? मैं एग्रीकल्चर कामों से भी दारा करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, फिर तो आप मेरे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे। बेसिकली बात करने का मकसद है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है सर, हमारे पास हम कहते हैं, दुनिया को कहते हैं हम ज़रई मुल्क हैं, तो हर चीज़ हम खुद अपनी बना सकते हैं, लेकिन सर हम दुनिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं, गंदम की हमारे पास मकदार नहीं है सर। आप देख रहे हैं कि गंदम कितना महंगा हो चुका है, 150 रुपये पर के जी, कैसे देख रहे हैं? सर पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क मवाद मुल्क है जहाँ से दूसरे मुल्कों को गंदम हम भेजते थे, ठीक है ना, लेकिन हमारे ये कुछ अरसे से क्या, ये काफ़ी अरसे से, यानी कि पहले ये जो हमारे पहले जो इमरान खान साहब के साथ है ये तारीन वगैरह, ठीक है ना, ये हो गया है, ये जो नून लीग के सारे हैं तकरीबन सियासतदान, इन्होंने सारे अपने मनगढ़ंत सिस्टम अपने चलाए हुए हैं, ठीक है ना, मुल्क का बड़ा गलत कर दिया इन्होंने। मेरी बात सुनिए, अभी गंदम कैसे मिलेगी जब सस्ती मिलेगी पाकिस्तान में, जब खाद की बोरी जो DAP है वो 14-15 हज़ार की DAP की बोरी है, ठीक है ना, और यूरिया भी बहुत ज़्यादा महंगी है, जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और डीजल देखो कितना, किसान का तो ज़रूरत ज़्यादा खाद है और डीजल है, ठीक है ना। वहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा, बाहर से मंगवा रहा, वहाँ पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, सर इंडिया की मैं बात बताऊंगा आपको कि अपनी जरूरियात पूरी कर तो रहा वो, लेकिन इजिप्ट की हेल्प कर रहा है, इस टाइम दुनिया को एक्सपोर्ट करता है गंदम चावल। सर उनके पास क्या चीज़ है जो को उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है, उनको दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बनाती है, क्या ऐसी चीज़ है इंडिया के पास? सर इंडिया की जो हुकूमत है ना, वो चाहे जैसी भी है, वो मोदी जैसा भी है, ठीक है ना, अपने हमारे लिए जो भी यानी कि हमारा दुश्मन है, ठीक मुल्क है, ठीक है ना, दोस्त मुल्क भी है, लेकिन वो उसकी ज़हनियत वो दुश्मनों वाली है, ठीक है ना, लेकिन वो जो इंडिया है वो अपने किसानों के साथ बहुत ज़्यादा तआवुन करता है सर। इंडिया की जो हुकूमत जो भी हुकूमत आती है वो अपने किसानों के साथ बहुत तआवुन करती है, उनको बिजली की बिल बहुत ही, अगर पहले सुनते थे कि उनको बिल फ्री है, अगर फ्री नहीं भी है तो नहीं है सर ना, पंजाब में 500 यूनिट फ्री है बिजली की, ना होने के बराबर है, ठीक है ना, खाद भी वहाँ पर सस्ती है, यानी इवन के जितने भी ज़रिए हालात उन पर ना होने के बराबर टैक्सेस हैं, खादे भी बिल्कुल ना, टैक्सेस तो है ही नहीं उन पे, तो जाहिर सी बात है जब हमारे हुक्मरानों ने हमारे पे वो DAP इतनी महंगी कर दी, यानी हमारी हर एक चीज़ पे टैक्स लगाया उन्होंने, ठीक है ना, और टैक्स लगा के करते सिर्फ अपना पेट पालते हैं, आवाम का नहीं देखते, वो सिर्फ अपना पेट पालते हैं, और जो टैक्स वगैरह हमसे वो लेते हैं वो आवाम को रिलीफ देती नहीं है, सारे जो सियासतदान है वो अपनी जेबें भरते हैं, अपने घर बनाते हैं। यहाँ पर हुक्मरान खड़े होकर कहते हैं कि इंडिया वैसा, इंडिया वैसा, इंडिया को हम तबाह कर देंगे, इंडिया को वैसे कर देंगे, वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, तो सर अब मैं आपको बात बताना चाहूँगा, वहाँ पर तो चलो मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, यहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा, आटा नहीं मिल रहा सर, आटे के लिए लोग मर रहे हैं लाइनों पर लग के, घर पर रोटी पूरी नहीं हो रही, तो ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं सर? सर ये हुक्मरान सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको किसी का एहसास है ही नहीं, ज़रा भी एहसास नहीं है किसी को, हर एक को अपने का है, मेरे पास बात चाहिए जो सरकारी गाड़ी होनी चाहिए। थोड़े दिनों पहले मैं इस्लामाबाद गया हूँ, वहाँ पे एक ना मिनिस्टर की गाड़ी खड़ी हुई थी, ठीक है ना, वो सुनते हैं कि वो गाड़ी जो है ना वो 1 लीटर में 2-3 किलोमीटर करती है, मैं वहाँ पर हम काफ़ी देर खड़े रहे और उसकी जो गाड़ी थी ना वो तो स्टार्ट ही खड़ी रही है, ठीक है ना, वो अंदर मीटिंग, नवाब साहब अंदर मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो और ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं सनाउल्ला, चाहे जो भी है, चाहे PTI का जो मिनिस्टर भी था, अगर वो भी होता तो गाड़ी स्टार्ट ही खड़ी होती थी उनकी, क्या ज़रूरत है गाड़ी स्टार्ट खड़ी करने की, पैसा तो आवाम की जेब से जा रहा है, किसानों की जेब से जा रहा है, तो बंदा क्या करे, अब बंदा बोलने जैसे ज़्यादा बोलता है तो वो कहते हैं कि बदतमीजी के जिम्मे में आता है, बस यही है। सर जो इंडिया के बारे में पॉलिटिशियन बात करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या वो पाकिस्तान से ध्यान हटाकर इंडिया की तरफ करवाना चाहते हैं या उनका कोई और मकसद है? सर जाहिर सी बात है उन्हें ध्यान हटाना है कि वो इंडिया वाले मुल्क के, ये किसी और मुल्क की बात कर देंगे कि वो ऐसा है वो वैसा है, ठीक है, सिर्फ हमारे आवाम का जो ना ध्यान भटकने के लिए वो ऐसे करते हैं। कश्मीर की बात कर लेंगे, कश्मीर में वहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है ज़रा बताएंगे आप? सर कश्मीर में जो हो रहा है वो इंतहा किस्म का जुल्म हो रहा है,
ठीक है ना, हमारा जो सियासतदान है ना, जाहिर सी बात है हमारे सियासतदान कुछ करेंगे क्योंकि असेंबलियों में बैठे, उन्होंने बाहर जाके यूएन में बात वगैरह करनी होती है। आपने कहा कश्मीर में जुल्म हो रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा जुल्म किस तरह का हो रहा है। सर जुल्म इस तरह का हो रहा है, वहां पर सर उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस दे दी है अपने इंडिया के कश्मीर के अंदर सर, जो हिंदुस्तान के पास है सर। यूनिवर्सिटीज पता कितनी है, 17 से 18 यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, कितनी है, 2 यूनिवर्सिटीज है सर। हॉस्पिटल का निजाम आप जरा गूगल पर सर्च करिएगा सर, आप रेलवे निजाम सर्च करिएगा कि इंडिया के पास कितना आटा, पता आपको कितना किलो मिल रहा है, कितने का केजी मिल रहा है, 25 रुपए केजी।